हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जीनिया। आपको मेरे चैनल पर लाइफस्टाइल वीडियोस, होम डेकोर वीडियोस और कुकिंग वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। आज मैं आपको अपना टेरेस डेकोर दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपना टेरेस गार्डन कैसे मेंटेन किया है, कैसे डेकोर किया है। आप एक बार देखिए और अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये डेकोर कैसा लगा। रूफटॉप गार्डनिंग या टेरेस गार्डन में खुद से उगाए फलों फूलों के साथ ताज़ी हवा में बैठने से अच्छा अनुभव मिलता है, जो हमें तनाव से राहत देता है। आज के समय में अपने घर पर रहना ही होता है, फिर क्यों ना हम ऐसा गार्डन तैयार करें। अगर आपके पास टेरेस या बैल्कनी है तो ये गार्डन ज़रूर डेकोरेट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अपने टेरेस पे ये आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है, जिससे एकदम गार्डन का लुक देता है। और साथ में इतने सारे पौधे हैं जो इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं, इससे मैंने इनको सजाया गया है। जो ये बेंच है, ये मैंने लोकल कारपेंटर से बनवाया है और इसमें कुछ कुशंस रखे हैं, जिससे इसका लुक और अच्छा लग रहा है। आप भी अपने घर पे एक छोटे से चीजों से डेकोरेट करके अपना गार्डन बना सकते हैं। साइड में ये वाइट टेबल जो चाय पीते वक्त काम आती है, और फ्लोर में जो आर्टिफिशियल ग्रास है, इससे लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान है, ये पानी से साफ हो जाता है। इसके नीचे जो होल्स हैं, उससे पानी ड्रेन हो जाता है। दीवार पर फेस मास्क और फ्रेम लगाए हैं और एक आम सी टोकरी को लैंप बनाया है। अलग अलग तरह के बल्ब लगाए हैं, जिससे कि ये गार्डन का पूरा लुक दे रहा है। ये जो येलो कलर का प्लांटर है, इसको हाथ से पेंट किया है और पॉम-पॉम से सजाया है। और ये जो पीछे बैम्बू का आप फ्रेम देख रहे हैं, इसको लोकल बैम्बू वाले से हमने इसको फ्रेम करवाया है। इस बैम्बू के फ्रेम से ये थोड़ा सा विलेज टच दे रहा है, जो कि आजकल बहुत अच्छा लगता है शहरों में। और ये रहा नाइट लुक, जहाँ पे मैंने अपना लालटेन और बल्ब जलाए हैं। तो ये रहा मेरा टेरेस गार्डन। प्लीज मुझे बताएं कि आपको ये गार्डन कैसा लगा।